मेरे सामने बैठे हैं और ये ट्रंप को गाली दे रहे हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है यहाँ पर। Lunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल। न्यूयॉर्क में भी रिक्शा चलती है, ये रिक्शा है भाई। चलो ले ओ नहीं आता यो सोई चले सब बढ़िया, जिंदगी जी रहे हो कि नहीं जी रहे? यार मैं न्यूयॉर्क के बारे में आपको छोटे छोटे से टिप्स दे रहा हूँ। मैंने लंदन से ब्लॉग शुरू किए थे और आई होप कि जो लोग अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैं कुछ कुछ टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, वो है ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मत सोचना, इसमें दो चीज़ें हैं बस मैं जो आपको क्लियर बताता हूँ कि एक तो ये है कि मैं काम अपने काम के ट्रिप से यहाँ पर आया हूँ और मुझे जो उसके बाद मौका मिलता है तो उसमें मैं ये सब कुछ जो है शूट वगैरह करके आपको न्यूयॉर्क या लंदन मैंने आपको घुमाया और उसमें छोटी छोटी सी टिप्स दी जो मुझे लगा कि यार बड़ी ज़रूरी है। जो हमारे देश के लोग आए, इंडिया के लोग आए, पाकिस्तान के लोग आए, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो वो लोग मुझे यहाँ पर बहुत मिले भी सफ़र में, तो मुझे लगता है उनके लिए वो टिप्स ज़रूरी है। कोई घूमने आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए। बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं है। और आप ये बोलोगे कि यार मैं बहुत सारी एडिटिंग नहीं करता या बहुत सारा इस रिसर्च करके नहीं कर रहा, तो ये टोटली एक अनप्लैंड जर्नी है। और ये मतलब मेरा ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था कि मैं इस जर्नी को आप तक पहुंचाऊं। तो फिर मैंने एक दो वीडियोज़ बना के जैसे दोस्तों को भेजते ऐसे भेजी तो उन्होंने बोला यार ब्लॉग बना लो, ये तो अच्छा आइडिया है। तो फिर मैंने बना लिए ब्लॉग क्योंकि मेरी भी मेमरीज में रहेगा और मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा ताकि मेरी भी मेमरीज में रहेगा कि यार जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे उस पर। क्योंकि आप कितना लिखोगे, मेरे को लिखने की आदत है लेकिन मैं भूल जाऊँगा, फिर वो कॉपी उठाओ हमेशा उसको देखो नोट्स। तो न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क बहुत एक्सपेंसिव है। इधर आप एक टाइम अगर ढंग से खाओगे जैसे हम लोग खाते हैं तो आपका ये मान के चलो 1200-1300 रुपये खर्च होगा एक टाइम का खाना, और उसमें ट्रैवल अलग है, आप ट्रैवल अकाउंट मत करो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेसिक फूड अगर आप खाओगे, और अगर आप खाओगे पूरा प्रॉपर कैंडल लाइट डिनर टाइप कैंडल लाइट और एक प्रॉपर से मतलब अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाओगे तो फिर तो यार उसकी कोई कीमत नहीं है 1% की, तो आप 5,000-10,000 जो मर्जी सोच। दूसरा ये है कि रात को यहाँ पर जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो काफ़ी लोग इस तरह के होते हैं जो मतलब रात में नीग्रोस टाइप के जो है उनसे थोड़ा सा बच के रहो, वो यहाँ पे फैल जाते हैं पूरे रात में, मतलब चर्सी टाइप के हैं और वो पूरे फैल जाते हैं और उनको पता है जो इंडियन पाकिस्तानी है वो थोड़ा शर्माते हैं। हालांकि मैं तो शर्माता नहीं, मैं तो ओपनली बात करता हूँ, लेकिन उनको पता है थोड़े शर्मीले होते हैं वहाँ के लोग, तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ छीना छपटी भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जिस भी इलाके में घूमोगे रात को तो हमेशा अलर्ट रहना और ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड वाले एरिया में ही घूमना, बहुत ज़्यादा खाली एरिया होगा उसके अंदर घूमने की ज़रूरत है। ये टिप्स है। बाकी छोटी छोटी ऊपर न्यूयॉर्क पुलिस बहुत अलर्ट है, यहाँ की पुलिस बहुत कॉन्फिडेंट है। दूसरा ये कि आप जब किसी भी शॉप में जाते हो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी भी शॉप में जाओगे तो आपको सामान खरीदना है, आप जाओ वहाँ पे फोटोज खींचो, आपको अपने लोगों को भेजनी है फोटो खींच खींच के कि भाई ये लूँ या वो लूँ या ये देखो ये ऐसा है वो करो, आप वीडियो बनाओ। तो मतलब यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से मना नहीं करता है, मतलब उनको वो लोग जो है मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप जो मर्जी कर सकते हो। यहाँ पे टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है ये
और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टूरिस्ट की। यहाँ पे हर चीज़ का सिस्टम है, मतलब सड़क क्रॉस से लेकर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, आपको सड़क क्रॉस करनी है तो मतलब कोई गाड़ी वाले खुद बोलते हैं रुक कर कि भाई आप निकल जाओ पहले और हम लोग बाद में निकलेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे आपके देश की पहचान होती है। कोई ओवरटेक नहीं करता, कोई लेफ्ट टेक नहीं, राइट टेक नहीं, कोई बस वाले से कोई रोड रेज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बस का कॉम्पिटिशन नहीं, मतलब बहुत ही बढ़िया सिस्टम मुझे ये लगा इंडिया से बाहर के। कोई हॉर्न नहीं, आप विश्वास मानना मैंने एक हॉर्न नहीं सुना पिछले 30-35 दिनों से मैं टूर पर हूँ, मैंने एक हॉर्न नहीं सुना यहाँ पर, आप ये मान के चलो कि। और साइकिल पर यहाँ पे लोगों ने बैटरी लगा रखी है और वो बैटरी में साइकिल चलाते हैं, और यहाँ पर एक किक सुन कर रहे हैं जो बच्चों का होता है जैसे स्केटबोर्ड टाइप का, तो वो यहाँ पर बहुत लोग चलाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ये लोग चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, मतलब बहुत ऑबिडिएंट लोग हैं। इन्होंने अपने रूटीन को, अपने पूरी लाइफ को इन्होंने ना एक टाइम टेबल में वो किया हुआ है। ऐसा नहीं कि कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं, इन्होंने पूरा एक फिक्स किया हुआ है और वही आदत इनको पड़ गई और वही आगे की जनरेशन जो है इनकी उसको फॉलो कर रही है। ये मेन स्पेस है, ये आप कह सकते हो कि ये जो है टाइम्स स्क्वायर है और ये मेन एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी बहुत लेट नाइट हो गया और मैं यहाँ पर आया था घूमने के लिए, कुछ खाने के लिए, देखने के लिए, टफरी करने के लिए। मैंने तो आपको बताया था कि जब टफरी करनी हो तो निकल जाओ, तो मेरे क्रू के लोग तो सब सो गए हैं, तो मुझे लगा यार वो सो रहे हैं, मैं तो कम से कम सोऊंगा, जितना घूम सकता हूँ जहाँ सकता हूँ। तो मन किया आपके साथ वीडियो बनाने का, क्योंकि एक दो ब्लॉग पहले मैंने जो बना रहा था उसमें बैटरी खत्म हो गई थी, फिर मैं होटल गया ऑर्डर करके चार्ज करके फिर मैं वापस इधर आया, वॉकिंग ही है मेरे लिए सब कुछ, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप तक पहुंचाता हूं और शायद आपको अच्छा लगेगा न्यूयॉर्क में, मतलब रात नाइट लाइफ देखना। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये नाइट लाइफ जो है यहाँ पे, मैं इस चेयर पे बैठा था तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ है, सब लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये सामने बैठे हैं और ये ट्रंप को गाली दे रहे हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है यहाँ पर, ये देखो इसी के साथ मैं बोलूँगा सारे जहां से इसका बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे जल्दी।